दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच में पहला मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में गुरु चेले की टक्कर को देखने मिली। आपको बता दें कि इस मुकाबले में ऋषभ पंत की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने धोनी की टीम को दिन में तारे दिखा दिए और जिसके बाद ऋषभ पंत का अब महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर बेहद ही बड़ा और चौंका देने वाला बयान सामने आया, जिसको सुनने के बाद आप भी महेंद्र सिंह धोनी को सलाम करेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको ऋषभ पंत के उस बयान के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में कौन बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि हालिया में अपनी बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग से सभी का दिल जीतने वाले ऋषभ पंत पूरी तरह से चर्चाओं में बने हुए हैं और उनके शानदार प्रदर्शन के चलते दिल्ली कैपिटल्स की टीम का इस साल उन्हें कप्तान भी बना दिया गया, क्योंकि श्रेयस अय्यर के कंधे में चोट लग जाने की वजह से दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैनेजमेंट ने ऋषभ पंत के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें इस बार कप्तानी सौंपी है। और जब आईपीएल 2021 में दूसरा मुकाबला दिल्ली और चेन्नई के बीच में खेला गया, उस समय महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं सोशल मीडिया पर देखने को मिली और सब कह रहे थे कि गुरु और चेले की टक्कर देखने को मिलेगी और देखते हैं कौन बाजी मारता है। और जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने उस मैच में प्रदर्शन किया वो काबिले तारीफ, और दिल्ली की टीम ने बेहद ही आसान जीत दर्ज की धोनी की टीम के खिलाफ। और हालांकि धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई की टीम ने 188 रनों का बड़ा लक्ष्य बनाया था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस लक्ष्य को बिना किसी परेशानी के 7 विकेट से हासिल कर लिया था, जिसके बाद ऋषभ पंत की तुलना महेंद्र सिंह धोनी से की जाने लगी है। और सोशल मीडिया पर यह देखा गया कि लोग ऋषभ पंत को धोनी से भी बेहतर बता रहे थे। ऐसे में ऋषभ पंत ने इस चीज का खुलासा करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में धोनी को लेकर कहा कि मैं धोनी से बड़ा कभी नहीं बन सकता, क्योंकि धोनी ने मेरे क्रिकेट के करियर में मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और फिर वो चाहे बल्लेबाजी हो या फिर विकेट कीपिंग। मैंने धोनी से हर परिस्थिति में क्रिकेट से जुड़ी हर चीज सीखी है और आज जो मैं बल्लेबाज बना हूँ वो बिना किसी दबाव के वो भी धोनी की ही देन है। और धोनी ने मुझे अपना स्वाभाविक खेल खेलने की हमेशा से सलाह दी थी और मैं उसी तरह की क्रिकेट खेलता हूँ जो आजकल लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। और अच्छी बात ये रही कि धोनी ने इसके साथ साथ मुझे हर परिस्थिति में किस तरह बल्लेबाजी करनी है वो भी सिखाया, क्योंकि मेरे क्रिकेट में शुरुआती समय में जब मैं धोनी से मिला था तो धोनी ने मुझे सलाह दी थी कि आपको जब भी अपने आप को साबित करने का मौका मिले तो आप तेज गति से बल्लेबाजी करके सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना। और मैंने उनकी इस बात को ध्यान में रखते हुए आईपीएल में तेज गति से बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ी पारी खेली थी, जिसकी वजह से मुझे एक पहचान मिली और जब मुझे भारतीय टीम में खेलने का मौका मिला मैं अच्छा प्रदर्शन कर पाया, जिसकी वजह से आज मैं भारतीय टीम में धोनी की जगह विकेट कीपर हूँ। लेकिन मैं धोनी से बड़ा कभी नहीं बन सकता और धोनी हमेशा मेरे लिए गुरु से कम नहीं है। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि क्या ऋषभ पंत आने वाले समय में धोनी की जगह ले पाएंगे या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।